Y se hincha, no, se hincha, no, se hincha. Somos sí. Caramba, somos sí. अच्छा आप समझा कि क्यों पिछले दिन सर ने मुझको डांटा। यू मदर फादर्स मेनस दिस। कैसे ये चीज सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करती है? एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेलो बडीज, तो क्या चल रहा है आजकल? हाँ बस जिंदगी कट रही है। बहुत बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही जिंदगी कटती रहनी चाहिए। तो सबको पता है ना आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। हमने तो बस ऐसे ही यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च किया और सीधा तुम्हारे वीडियो में आ गए। हमें थोड़ी पता है कि तुम किस बारे में बात करोगे। ठीक है ठीक है, अब इतना भी रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा वीडियो में आता हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने आज तक डाइट के बारे में क्या जाना है, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और उनमें से जो जो कमेंट्स सही होंगे वो मैं अपने भी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूँगा। तो जैसे कि मैंने सेमीकंडक्टर की वीडियो में बताया था, इस चीज़ को और अच्छे से कहा जाए तो जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बरकरार रहेगा। यहाँ पर मैंने एक चीज तुम लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानना चाहता था तुम में से किस किस को इस चीज के बारे में पता है, पर अफसोस किसी ने भी कमेंट नहीं किया। अच्छा आप समझा कि क्यों पिछले दिन सर ने मुझको डांटा। यू मदर फादर्स मेनस दिस। अरे यार तुम लोग ठीक से नहीं बता सकते थे क्या? तुम्हारे वजह से भारी क्लास में मेरी बेइज्जती हो गई। सॉरी सॉरी भाई, आगे से थोड़ा बता के करूंगा। अब वीडियो में आते हैं। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ और एक चीज की जरूरत होती है, और वो है होल करंट। ये क्या करंट है? हाँ, अगर ये चीज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीली मूव करना मुश्किल है। लेकिन कैसे? देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक्सटर्नल एनर्जी के कारण एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है तब उस जगह पे फ्री स्पेस क्रिएट होता है जिसको होल कहा जाता है, और वो चीज ऐसे पॉजिटिव चार्ज एक्ट करता है। इससे हमें पता चलता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक होल करंट क्रिएट होता है। तो ऐसे अगर हजारों इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है तो एज ए रिजल्ट सेम अमाउंट ऑफ होल करंट क्रिएट होगा। अब सवाल आता है कि कैसे ये चीज सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करता है। मान लो दो मैग्नेट है और इन दोनों में से एक मैग्नेट की नॉर्थ पोल के सामने अगर दूसरे मैग्नेट की साउथ पोल को रखा जाए तो क्या होगा? ठीक, तो वो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। राइट, ठीक ऐसे ही जो होल रहता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है जो होल करंट है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो इस अट्रैक्शन के कारण वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके होल के साथ कंबाइन हो जाता है और उसके बाद फिर वही साइकिल घूमता रहता है। तो इस साइकिल से हमें पता चलता है कि अगर ये होल करंट नहीं होता तो वो अट्रैक्शन ना होता, और अगर वो अट्रैक्शन ना होता तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए जैसा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है ठीक वैसे ही होल करंट की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि ये होल करंट एनर्जी बैंड के किस बैंड में स्टे करता है, तो इसका आंसर है वैलेंस बैंड। ऐसे कैसे? सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस बैंड में रहता है? वैलेंस बैंड में। और जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है तब उस जगह पे कौन सी चीज क्रिएट होता है? होल करंट। ओ अब समझा, मतलब इस सिचुएशन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही अपने जगह बदल के कंडक्शन बैंड में जा रहा है, और जो होल करंट है वो सिर्फ एक जगह पर ही है, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं डायोड के ऊपर कि आखिरकार डायोड कैसे काम करता है, डायोड किन चीजों से बनता है, ऑल काइंड ऑफ स्टफ। ओह इंग्लिश।
इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के सेमीकंडक्टर देखने को मिलती है, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में रहता है, और इस टाइप के सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की नेचर रहता है वो कुछ इस तरह की होता है। अब बारी आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। बेसिकली इस तरीके की सेमीकंडक्टर तभी बनती है जब किसी प्योर एटम के अंदर किसी डिफरेंट टाइप के एटम को ऐड किया जाता है। किसी किसी बुक में इस डिफरेंट टाइप ऑफ एटम को इम्प्यूरिटी का नाम दिया जाता है, और इस इम्प्यूरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको डोपिंग कहा जाता है। अरे लेकिन क्यों, कोई काम धंधा नहीं है क्या, फुकट में ही ऐसे सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया? अरे अरे ऐसा मत कहो यार, इसका भी एक रीजन है। साइंस में ऐसे ही कुछ नहीं होता, हालांकि वो बात अलग है कि कॉलेज लाइफ में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में डिटेल में जाना तब मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट कंडक्शन है उसकी फ्लो को इंक्रीज करना, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट कंडक्शन है वो बहुत कम होता है, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर के लिए अच्छा सेमीकंडक्टर नहीं है। और इसके लिए आइदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ाई जाती है या नंबर ऑफ होल करंट की अमाउंट बढ़ाई जाती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ाने के लिए पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है ऐसा एक एटम जिसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और होल करंट की अमाउंट बढ़ाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है ऐसा एक एटम जिसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सब चीज सुन के तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि आखिरकार क्यों, कैनो लिमादा अलिफ बाकी वैशमा। हाँ हाँ, मेरे मन में यही तो क्वेश्चन है, अब आगे बताओगे भी या नहीं? हाँ भाई क्यों नहीं, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है उन सबका वैलेंस बैंड में सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलती है। उन सेमीकंडक्टर्स का नाम क्या है? उसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, जब इस सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड किया जाता है तब उस सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय होल करंट के तुलना में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा रहता है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ एक नाम दिया जाता है, एक है मेजॉरिटी कैरियर और दूसरा है माइनॉरिटी कैरियर। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी कैरियर और होल करंट को माइनॉरिटी कैरियर कहा जाता है। और ठीक ऐसे ही जब ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड किया जाता है तब सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ होल करंट की भी संख्या ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस समय होल करंट को मेजॉरिटी कैरियर का नाम दिया जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को माइनॉरिटी कैरियर का नाम दिया जाता है। इन दोनों डोपिंग प्रोसेस के ऊपर निर्भर करके ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। भाई एक बात पूछूं? हाँ क्यों नहीं पूछो। ये सब तो ठीक है, लेकिन डाइट के बारे में कब बताओगे? कब से देख रहा हूँ डाइट के छोड़ के सब बाकी चीजों के ऊपर बताए जा रहे हो। नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, मैं सीधा डाइट पे ही आता हूँ, पर एक बात जान लो, अगर इन सब के बारे में अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे चल के बहुत पछताओगे। फिर मुझे मत कहते रह जाना कि इसके बारे में बताओ उसके बारे में बताओ, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर को पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से डोप किया जाता है तब जो चीज बनता है उसको डायोड कहते हैं। इस समय इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस क्रिएट होता है उसको पीएन जंक्शन कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ पीएन जंक्शन तक ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि जब ये दोनों सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब एन टाइप के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप के होल के साथ अट्रैक्ट होने के कारण एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है, जिस वजह से पी टाइप के उस पर्टिकुलर जगह पे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्रिएट होता है, जिसको कैट आयन भी बोला जाता है। सिमिलरली एन टाइप में से फ्री इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण जो होल क्रिएट होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज आयन में बदल जाता है, जिसको एन आयन बोला जाता है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण डायोड में जो लेयर बनता है उसको डिप्लिक्शन रीजन या डिप्लिक्शन लेयर कहा जाता है, क्योंकि इस लेयर के कारण दोनों साइड के जो चार्ज कैरियर है वो एक दूसरे के साथ और इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। अब मुझे पता है तुम में से जो लोग आर्ट्स या कॉमर्स से हैं
उनका हालत कुछ इस तरह होगा कि भाई तू क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कुछ देर पहले ही तो तूने बोला था जब सेमीकंडक्टर में एनर्जी अप्लाई किया जाता है तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके वजह से जो होल करंट क्रिएट होता है वो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और अभी बता रहा है कि ये चीज़ पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा, वो चीज़ नेगेटिव आयन में बदल जाएगा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बदल जाता है। जायज है, जायज है, इस समय खुद को मंदिर का घंटा मानना ही जायज है क्योंकि हम भी किसी जमाने में खुद को ऐसे ही सोचते थे। अरे भाई कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करता था इसके बारे में। लेकिन आज मैं इस गलत फहमी से पर्दा उठाऊंगा। भाई थोड़ा ज्यादा ही ऑपरेटिंग हो रहा है, नीचे आ जा नहीं तो 50 रुपए मैं कर लूंगा। तो देखो आयन कैसे बनता है इसके बारे में मैंने सेमीकंडक्टर वाले वीडियो में बताया था कि आयन तभी बनती है जब मॉलिक्यूल्स अपने अंदर किसी तरीके की नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेता है। अब बात आती है किस तरीके से वो चार्ज को गेन करता है। मान लो एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मतलब जिस एटम का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट सेम रहता है। अब अगर किसी एनर्जी को उसमें अप्लाई किया जाए तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वक्त एटम में प्रोटॉन्स का अमाउंट तो सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चले जाने के कारण वो एटम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर उस एटम के आसपास कोई और एक न्यूट्रल एटम है जो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है तो वो एटम नेगेटिव चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज को अगर समराइज करें तो बोल सकते हैं कि अगर किसी एटम में प्रोटॉन का अमाउंट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज्ड आयन या कैट आयन भी बोला जा सकता है और अगर किसी एटम में प्रोटॉन का अमाउंट इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो उसको नेगेटिव चार्ज्ड आयन या एनायन भी बोला जा सकता है। बाप रे बाप, इतना सब कुछ उस छोटी सी चीज के अंदर चलता रहता है, लेकिन इतना सब कुछ करके आखिरकार फायदा क्या है? इसका एक ही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो करंट का फ्लो है उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना। और वो चीज कैसे होगा? इसके लिए डीसी वोल्टेज का यूज किया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बायस वोल्टेज भी कहा जाता है। इस बायस वोल्टेज को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें से एक है फॉरवर्ड बायस और दूसरा है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड के पी साइड के साथ डीसी वोल्टेज की पॉजिटिव वोल्टेज को और एन साइड के साथ डीसी वोल्टेज की नेगेटिव वोल्टेज को जोड़ा जाता है जिससे होता क्या है कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज के कारण जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो धीरे धीरे घटता रहता है और डायोड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। जबकि रिवर्स बायस में डायोड के पी साइड को डीसी वोल्टेज की नेगेटिव वोल्टेज के साथ और एन साइड को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ देने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो और एक्सपेंड होता जाता है। इस चीज को और अच्छे से प्रैक्टिकली समझने के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मदद लिया जाता है। यहाँ पर V का मतलब है वोल्टेज और I का मतलब है करंट। इस चीज की मदद से हम लोग किसी भी कंपोनेंट की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को जान सकते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम उस चीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देख सकते हो जो फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस में है और जो फॉरवर्ड और रिवर्स करंट है वो वाई एक्सिस में है। तो जब डायोड में धीरे धीरे फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तब करंट इंक्रीज नहीं हो रहा होता क्योंकि इस वक्त डायोड में एक रेजिस्टिव पावर काम करता है जिसके कारण डायोड उस करंट की फ्लो को लिमिट करने की कोशिश करता है लेकिन वो ज्यादा देर तक लिमिट नहीं कर पाता है क्योंकि जब फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज होते होते एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज तक पहुंच जाता है तो वो डिफ्लेक्शन लेयर ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। इस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहा जाता है। और ये वोल्टेज कितना होता है? बेसिकली ये दो तरीके की होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में दो टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज किया जाता है। एक है जर्मेनियम जिसका नी वोल्टेज है 0.3 वोल्ट और दूसरा है सिलिकॉन जिसका नी वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। इन दोनों को यूज करने का एक ही रीजन है कि जो नी वोल्टेज है वो बहुत कम रहता है दूसरे सेमीकंडक्टर के तुलना में क्योंकि जितना कम नी वोल्टेज होगा उतना जल्दी सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो है सिलिकॉन।
ऐसा क्यों? सिलिकॉन का नहीं वोल्टेज तो जर्मेनियम से ज्यादा है। वन ऑफ द रीजन इज कॉस्ट, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत रीजन है, वीडियो पॉज करके तुम लोग देख सकते हो। दूसरी तरफ जब डायोड में रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तब हाँ हमको पता है कि जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो बहुत बढ़ जाता है और इसीलिए डायोड के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाता। हाँ बात तो सही है, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि इसका भी एक लिमिट है, अगर उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो। जी हाँ, इसमें देख सकते हो जब बहुत कम वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब करंट तो फ्लो नहीं करता है, लेकिन वही वोल्टेज जब थोड़ी बढ़ाई जाती है तब डायोड शॉर्ट हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है। इसीलिए डायोड की लिमिटेशन जानने के लिए उस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक इसी तरह और भी कुछ लिमिटेशंस है जिसको ध्यान में रखते हुए डायोड को यूज करना चाहिए, वीडियो पॉज करके इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। तो बस यही थी डायोड की पूरी जीवन की कहानी जो मुझे थी तुम लोगों को बतानी। अरे अरे ये साउंड इफेक्ट किसने डाला? और हाँ एक बात तो तुम लोगों को बताना भूल ही गया कि डायोड सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, इसका और भी टाइप होते हैं। थोड़ा गूगल में सर्च करके देख सकते हो कौन कौन सी डायोड है। हाँ भाई वीडियो देख ली, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई की वीडियो थोड़ा आगे बढ़े, लोग इस चैनल के बारे में जाने, तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लिटरली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ना तुम्हें किसी को कुरियर करना है, ना तुम्हें किसी के पास जाना है, बस लाइक और डिसलाइक बटन के पास जो शेयर का बटन है ना उसको प्रेस कर देना है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं भाई इस वीडियो में उतना मजा नहीं आया, वो फील भी नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और एंड में यही बताना चाहता हूं कि अगर तुम लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हो और आगे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और वो क्या कहते हैं वो घंटा भी दबा सकते हो। मैं मिलता हूं तुम लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।